Welcome you all in chemistry by Pradeep Kumar. We are discussing the chapter states of matter of class plus one. और इसमें आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो रहेंगे आइडल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन्स लॉ एंड इट इज़ द पार्ट फोर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल गैस. आइडियल गैस होती क्या है. सो आई गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड द आइडियल गैस. ऐसी गैस जो इन तीन लॉज को, चार्लीज लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इनको ओबे करती है. मतलब इनके अकॉर्डिंग उनका अगर इन गैसेस का बिहेवियर है तो उन गैसों को हम कहते हैं कि ये आइडियल गैसें. अब आइडियल गैस इक्वेशन इन लॉज को कंबाइन करके एक इक्वेशन ड्राइव की गई है. तो चलिए ड्राइव करते हैं इक्वेशन को. द थ्री गैस लॉज कैन बी कंबाइंड टूगेदर इन अ सिंगल इक्वेशन विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. इन तीन लॉज को हम एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे इनकी, जिसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन. तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो वॉल्यूम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पढ़ा है हमने. और इसमें दो वेरिएबल कॉन्स्टेंट होते हैं, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. और दूसरा जो लॉ हमने पढ़ा है दैट इज चार्लीज लॉ. चार्लीज लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो कॉन्स्टेंट रहते हैं. और जो तीसरा लॉ है विच इज एवोगैड्रोस लॉ, वो क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. और यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो इन तीन लॉ से, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, आप देख रहे हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल 1/p, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टी एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल एन. तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वी प्रोपोर्शनल एन इंटू टी अपॉन पी. इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया है. इनको हम क्या करेंगे, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटा करके यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया और क्या बन गया, v इज इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी, कैपिटल R. इसको हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT. हमने क्या किया, प्रेशर को इधर ले गए, हमारे पास PV बन गया, इज इक्वल टू n को पहले लिख दिया RT, PV इज इक्वल टू nRT. और इसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर तीन. तो PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन मतलब जिसके दो पार्ट होते हैं लेफ्ट और राइट, बीच में इक्वल का साइन, उसको हम इक्वेशन कहते हैं. तो इट इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT को हम क्या कहेंगे कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है. और यही इक्वेशन तीन लॉज के कॉम्बिनेशन से बनी है, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ. अभी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन दिखा रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. आर तो इसमें कॉन्स्टेंट है, चार वेरिएबल्स के बीच में, और चार वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वही गैस की स्टेट को दर्शाती है. तो इसलिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं कि गैस किस अवस्था में है यही वेरिएबल दर्शाते हैं. दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. और इसी इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, इक्वेशन नंबर चार दे दिया इसको. R इज कॉल्ड द गैस कांस्टेंट. हमने पीछे इसको कहा था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, लेकिन इसको हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं. और ये सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू एक ही होती है, इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस. तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं. तो R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं.
अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर। हमने क्या किया, तीन वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, कितने के बराबर है, एन एन आर के बराबर। अब अगर हम टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वेरी करवा देते हैं, कहां से कहां को, फ्रॉम टी वन वी वन एंड पी वन टू टी टू वी टू एंड पी टू, ये हमारे पास पहली स्टेट में है गैस, गैस का अमाउंट फिक्स है जिसका टेम्परेचर टी वन है, वॉल्यूम वी वन है और प्रेशर पी वन है। फिर हमने गैस की स्टेट बदल दी, अमाउंट गैस का वही रखा, और सेकेंड स्टेट में टेम्परेचर हो गया टी टू, वॉल्यूम हो गया वी टू और प्रेशर हो गया पी टू, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू एन आर, क्योंकि एन को हमने कांस्टेंट कर दिया है, अमाउंट फिक्स लिया है गैस का, आर पहले ही कांस्टेंट है। तो इन तीनों वेरिएबल्स को जो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करके उसको डिवाइड कर दें टेम्परेचर की वैल्यू से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती। और इसी तरह से अगर हम सेकेंड स्टेट में जो वेरिएबल्स हैं या सेकेंड स्टेट में जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है उसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर दें और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दें पी टू वी टू अपॉन पी टू, देन वी विल गेट द सेम वैल्यू विच विल बी इक्वल टू एन आर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, सो वी कैन राइट टी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया है। अब इन हमारे पास 6 वेरिएबल्स आ गए, पी वन वी वन टी वन पी टू वी टू टी टू, अगर हमारे पास किन्हीं 5 की वैल्यू दी है तो छठे की वैल्यू हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इसको हम कंबाइंड गैस लॉ के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज कंबाइंड गैस लॉ, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। नाउ नेचर ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आर, यूनिट्स ऑफ आर, लेट अस एग्जामिन द नेचर ऑफ क्वांटिटीज इन द आइडियल गैस इक्वेशन। हमने हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। अब अगले हम यहाँ देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, वी क्या है, एन क्या है एंड टी क्या है। प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है एरिया को, हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ स्क्वायर में, वॉल्यूम को लेंथ क्यूब में, मोल टेम्परेचर फोर्स एज इट इज। अब यहाँ से दो लेंथ यहाँ है, ए तीन लेंथ यहाँ है, इनसे दो कैंसिल हो गई, एक बचेगी, फोर्स अपॉन लेंथ क्या आ जाता है वर्क, सो वी विल राइट हेयर वर्क डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो इस तरह से जो हमारे पास आर के यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अब वर्क और एनर्जी के यूनिट एक जैसे होते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ आर विल देयरफॉर बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर को हम केल्विन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल को मोल में, और वर्क की जगह हम एनर्जी लिख रहे हैं। तो अब अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है आर की तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स इन विच द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर एक्सप्रेस्ड। टेम्परेचर को किस में एक्सप्रेस किया है, वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस किया है, प्रेशर को किस में एक्सप्रेस किया है, इसके ऊपर डिपेंड करती है आर की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर हमने एक मोल आइडियल गैस ली है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या ली हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर लिया है 1 bar, और 1 bar के ऊपर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है आइडियल गैस 22.71098, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए
R इज इक्वल टू, हमने बार को किस में बदल दिया, पास्कल में बदल दिया, 10^5 पास्कल, क्योंकि एक बार 10^5 पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इसकी वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी, क्योंकि इक्वेशन होती है हमारे पास PV अपॉन NT, तो P प्रेशर 10^5 पास्कल, वॉल्यूम 22.71 × 10^-3 मीटर क्यूब, यहाँ लीटर में था हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको मीटर क्यूब में बदल दिया है। और नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल लिए हैं हमने, टेम्परेचर केल्विन में है 273.15 केल्विन। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, तो ए वैल्यू आ रही है हमारे पास कैलकुलेट करके। अब अगर हम पास्कल को बदल दें बार में और मीटर क्यूब को बदल दें लीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 10^5 से डिवाइड करना पड़ेगा पास्कल के लिए, और मीटर क्यूब के लिए लीटर में बदलने के लिए हमें इसको 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 8.314 × 10^-2 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। और इसी तरह से हम यहां से इस वैल्यू को कैसे लें, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, पास्कल मीटर क्यूब क्या जूल में, तो वी विल गेट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आई हमारे पास जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन कितनी थी, टेम्परेचर था हमारे पास 273.15 केल्विन और प्रेशर था 1 बार। अब इसको हम जो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती थी जिसमें हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर करते थे, उसके आधार पे भी कैलकुलेट करेंगे। अर्लियर केस में 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास एक कितनी वैल्यू आई, तब हमारे पास एक वैल्यू जो आर की आएगी, इट विल बी 8.20578 × 10^-2 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहां पे हमने पीवी अपॉन एनटी की जगह प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया है, वॉल्यूम हमने 22.414396 लीटर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जनरली हम बोलते हैं 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू ली हुई है, 1 मोल है, टेम्परेचर 273.15 है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 8.20578 × 10^-2 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ए थी हमारे पास आर की वैल्यू, डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस कितना लिया हुआ है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है उस प्रेशर के ऊपर। अब प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम। एक गैस ली है जिसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ HG है, बट विल बी इट्स प्रेशर एट द हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। हमने इसको हाइट पे ले लिया, हाइट के ऊपर ले जाने के बाद वहां पे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है और गैस ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर लिया है 640, वॉल्यूम बढ़ गया 640 ml, तो वहां पे गैस का प्रेशर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम जो कंबाइंड गैस इक्वेशन है P1V1/T1=P2V2/T2 उसको यूज करेंगे। P1 हमारे पास 760 mm ऑफ HG, V1 हमारे पास 600 ml, T1 हमारे पास, क्योंकि टेम्परेचर हम केल्विन में यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन में, 25 + 273 (298 K), वॉल्यूम हमारे पास सेकंड वॉल्यूम कितना आएगा 640 ml, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया 283 K में,
और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है, P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon T2। यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो P2 कितने के बराबर होगा, P1V1 T2 upon V1 upon T1 T2। तो जब हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट किया कितना आया हमारे पास, 760 mm of HG multiplied by 600 milliliter multiplied by 283 Kelvin divided by 640 milliliter multiplied by 298। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 676.6 mm of HG। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट द हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज 640 मिलीलीटर। So in this way you can solve the numerical problems. अब है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से हमने इसको रीअरेंज कर लिया, एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी। एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने के बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। यहाँ पे हमने यही वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। एम अपॉन कैपिटल एम, वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। अब मास अपॉन वॉल्यूम कितने के बराबर होता है हमारे पास, डेंसिटी के बराबर। तो हम यहाँ डी लिख देंगे, डी इज इक्वल टू डी अपॉन एम इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी, वेयर डी इज द डेंसिटी एंड इट इज इक्वल टू एम अपॉन वी, स्मॉल एम अपॉन वी, गिवन मास इन द गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, एम इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। सो दिस इज द रिलेशन, मोलर मास, डेंसिटी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। फ्रॉम दिस इक्वेशन हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब इस इक्वेशन से हम कितने वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बनाया, मोलर मास, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर। आर तो कांस्टेंट है, सो मोलर मास ऑफ ए गैस, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। अगर तीन की वैल्यू दी है तो चौथा आप यहां से निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज दिस लॉ, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन इन 1801। किसने दिया था ये लॉ, जॉन डाल्टन ने दिया, और कब दिया, 1801 में। अब क्या कहता है ये लॉ, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, यहां पे हमने तीन सिलेंडर लिए हैं, एक दो तीन, या जो आप कह सकते हैं कि तीन बॉक्स लिए हैं, और इनका साइज एक जैसा है, साइज एक जैसा मतलब इनका वॉल्यूम एक जैसा है। अब फर्स्ट जो बॉक्स है या सिलेंडर है उसमें हमने ए मोल ऑफ एच टू भरे, ए मोल ऑफ एच टू, या मतलब कोई अमाउंट दिया है हमें मोल का, वो हमने हाइड्रोजन गैस का इसमें भर दिया, और फिर इसका प्रेशर माप लिया कितना आ गया हमारे पास, 0.30 बार आ गया है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। और दूसरे बॉक्स जिसका वॉल्यूम पहले के बराबर है उसमें हमने ऑक्सीजन गैस के मोल भर दिए, कितने के बराबर, बी मोल ऑक्सीजन के भर दिए, और उनका भी हमने प्रेशर माप लिया, कितने के बराबर आ गया, 0.45 बार के बराबर। अब हमने जो तीसरा बॉक्स है उसमें क्या किया कि जितना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का था वो लेकर के, जितना अमाउंट यहाँ ऑक्सीजन गैस का था वो अमाउंट लेकर के दोनों को भर दिया इस डिब्बे में, इस बॉक्स में या इस सिलेंडर में। और तब हमने क्या देखा कि जब हमने इस सिलेंडर में इन गैसों को भरा तो इसका जो प्रेशर आया वो कितने के बराबर था, इन दोनों प्रेशर के सम के बराबर। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम प्रेशर जो है 0.3 बार है,
यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 0.45 बार है, और इस बॉक्स में जब हमने इन दोनों गैसों को डाला तो उसका प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर, इस बॉक्स का प्रेशर प्लस इस बॉक्स का प्रेशर मींस 0.75 बार, और कितने के बराबर है ये, इन दोनों के प्रेशर के बराबर आया। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये जो गैसें हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, और इनका अमाउंट उतना ही होना चाहिए जितना इसमें है और इसमें है। सो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। हमने क्या देखा कि जो टोटल प्रेशर है गैस का, गैसें कैसी है, नॉन रिएक्टिंग, वो कितने के बराबर होता है, गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, अलग अलग गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अभी जो पार्शियल प्रेशर है, व्हाट इज दिस पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, अभी जो हमने यहां पे दिखाया था आपको कि यहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 0.30 है, ऑक्सीजन का प्रेशर 0.45 है, दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स, और पार्शियल प्रेशर के लिए कंडीशन क्या होती है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, जितना आप मिक्सचर, जितना वॉल्यूम उस मिक्सचर ऑफ गैस का है उतना ही वॉल्यूम इंडिविजुअल गैस का होना चाहिए, मतलब जिस सिलेंडर में आपने मिक्सचर को डाला है उसी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर इंडिविजुअल गैस को डालो, और जितना प्रेशर आएगा उसको कहेंगे कि ये पार्शियल प्रेशर है उस गैस का। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए मिक्सचर इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच द गैस वुड एक्सर्ट इफ इट इज अलाउड टू ऑक्युपाई द होल वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर जितना वॉल्यूम मिक्सचर ने ऑक्युपाई किया है, अगर इंडिविजुअल गैस को अलाउ किया जाए कि वही उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी, तो जितना प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे गैस का पार्शियल प्रेशर। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस एंड सो ऑन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस P1 प्लस P2 प्लस P3, वेयर P टोटल इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस एंड P1, P2, P3 एटसेट्रा आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। नाउ यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो डाल्टन लॉ है इसकी यूटिलिटी क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पिक्चर डाली है और उसमें क्या कर रहे हैं कि इस ग्लास ट्यूब में हमने पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज ऑक्साइड लिया हुआ है, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन गैस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, इस सिलेंडर में जिसमें हमने पानी भरा हुआ है, और इसकी जो पाइप है इसको हमने सिलेंडर के नीचे बिहेव सेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे गैस बन रही है इसमें, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है, और इस तरह से ये जो सिलेंडर है इसमें वाटर लेवल नीचे आ जाता है और गैस जो है सिलेंडर के अंदर ऊपर के पोर्शन में इकट्ठी हो जाती है। जब भी पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा तो हम इस सिलेंडर को यहाँ से हटा करके इसके ऊपर ढक्कन लगा करके हमारे पास से गैस सिलेंडर में आ जाती है। अभी जो गैस सिलेंडर में आई है क्या ये प्योर ऑक्सीजन गैस है या ड्राई गैस है या इसमें वाटर के वेपर भी हैं, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर के वेपर भी होते हैं। तो अगर हमने इस ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तब हम डाल्टन्स लॉ को यूज करते हैं। तो द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस
can be calculated by subtracting the vapor pressure of the water from the total pressure of the moist gas which contains the water vapor. हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास गैस है उसमें वाटर वेपर भी है, तो वाटर वेपर्स के प्रेशर को हम टोटल प्रेशर जो यहाँ का है मॉइस्ट गैस का उसमें से घटा देते हैं, जो प्रेशर आता है वो ड्राई गैस का बच जाता है. सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. अब यहाँ पे एक बात और आती है कि व्हाट इज एक्वस टेंशन. तो एक्वस टेंशन क्या चीज है, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ द वाटर व्हेन दे आर इन सैचुरेशन स्टेट. Pressure exerted by the saturated water vapor is called aqueous tension. So the aqueous tension of water at a different temperature possesses different values. अलग अलग temperature के ऊपर water vapor की जो aqueous tension है या aqueous tension of water जो है वो अलग अलग होती है. तो वो हम कितने temperature पे कितनी है इसको table से लेकर के मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर है उसमें से घटा करके हमारे पास ड्राई एयर का प्रेशर आ जाता है. सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मींस मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन. तो यहाँ पे हमने ये जो है डाल्टन्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसको अप्लाई किया. सो इट इज द यूटिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ. अब है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सपोज एट टेम्परेचर टी थ्री गैसेस एनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम पी एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर पी वन पी टू पी थ्री रिस्पेक्टिवली. हमने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम वी के बराबर है, उसमें हमने तीन गैसों को डाल दिया जिसको हमने नंबर दिया है एक दो तीन, और ये जो P1, P2, P3 है ये इन गैसों के पार्शियल प्रेशर हैं. P1 फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है, P2 सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर और P3 थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर. सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V. तो पहली गैस के लिए भी हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, दूसरी के लिए भी लगाएंगे, तीसरी के भी लिए भी लगाएंगे. तो P1 हमारे पास क्या आएगा, N1 RT upon V, P2 क्या आएगा, N2 RT upon V और P3 क्या आएगा, N3 RT upon V. यहाँ पे N1, N2, N3, these are the moles of the gases. N1, first gas के number of moles हैं, N2, second gas के number of moles हैं और N3, third gas के number of moles हैं. R आपके पास गैस कांस्टेंट है, T आपने टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ है, वॉल्यूम भी फिक्स है. तो इसलिए बदलाव किस में आया, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में. हियर N1, N2, N3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेस. नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. कि टोटल प्रेशर कितने के बराबर होगा, उन गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर. तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, P1 की जगह लिख दिया N1 RT upon V, P2 की जगह लिखेंगे N2 RT upon V और P3 की जगह लिखेंगे N3 RT upon V. ये हमने लिख दिए हैं. अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन टर्म्स हैं RT upon V उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, P total is equal to N1 plus N2 plus N3 RT upon V हमने कॉमन ले लिया. तो ये हमारे पास N1 plus N2 plus N3, these are the, this is the sum of the number of moles of the all gases. अब on dividing P1 by P total, what we will get? अगर हम P1 को P total से डिवाइड कर दें, P1 कहाँ है, क्या है हमारे पास, N1 RT upon V को P total से डिवाइड कर दिया, means divided by N1 plus N2 plus N3 RT upon V. और इसको हमने थोड़ा रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, N1 upon N1 plus N2 plus N3 RT upon V divided by RT upon V. तो RT upon V से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा N1 divided by N1 plus N2 plus N3.
और अगर हम यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 को क्या लिख दें, n के बराबर लिख दें, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे n1 अपॉन n, तो p1 अपॉन p टोटल कितने के बराबर आ गया, n1 अपॉन n, और ये कितने के बराबर होता है, x1 के बराबर। अब x1 क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, तो x1 इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, p1 इज इक्वल टू x1 इंटू p टोटल। हम सेकंड गैस के लिए भी इसको, इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, p2 क्या आ जाएगा, x2 p टोटल, और थर्ड गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, p3 इज इक्वल टू x3 इंटू p टोटल। और जनरलाइजेशन भी हम इसकी कर सकते हैं, दस द जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी टोटल। पी आई क्या है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द आयथ गैस, एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयथ गैस, एंड पी टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस, वेयर पी आई एंड एक्स आई आर द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयथ गैस रिस्पेक्टिवली। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आज हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, हमने शुरू किया था आइडियल गैस से कि आइडियल गैस क्या होती है, उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव की, उसके बाद फिर हमने जो गैस कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कैलकुलेशन के बाद हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसकी एप्लीकेशन, और लास्ट में हमने रिलेशन किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में और पार्शियल प्रेशर के बीच में डिराइव किया। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, और साथ में डेविएशन ऑफ द आइडियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।